हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या स्नैकिंग जो होती है वो वेट लॉस के लिए अच्छी है या नहीं, कितना स्नैक्स खाना चाहिए और कौन से स्नैक्स हैं जो बेस्ट होते हैं जो आपको इस जर्नी में सपोर्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्नैकिंग। सो स्नैक्स खाने से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे डाइट में और न्यूट्रिशनल चीज़ें ऐड करने को, जैसे फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, हमें ओवर ईटिंग से प्रिवेंट करती है मेन मील, ताकि हम ओवर ईट ना करें। हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करता है स्नैकिंग, साथ ही एनर्जी देता है। कई बार मेन मील्स के बीच में हमें लो एनर्जी फील होती है बिकॉज वी फील हंग्री, सो इट सप्लाइज एनर्जी। साथ ही फोकस और कॉन्सेंट्रेट करने में भी हमें हेल्प करता है, क्योंकि अगर हमें लो एनर्जी होगी तो हम फोकस भी नहीं कर पाएंगे। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, इट मे बूस्ट मेटाबॉलिज्म और बाइंज ईटिंग से ये प्रिवेंट करता है। साथ ही प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, बिकॉज अगर आप एनर्जी में लो होंगे, अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्यूल नहीं होगा तो आप ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अगर हम स्नैक करते हैं तो कई लोगों का मानना है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट नहीं मिल पाता, वो लगातार काम करता रहता है। साथ ही अगर उसे रेस्ट नहीं मिलेगा तो उसमें रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। जब भी हम कुछ खाते हैं उसमें जो कार्ब्स होता है उससे हमारा ब्लड शुगर रेस होता है, तो जब भी हम कुछ खाएंगे तो हमारा ब्लड शुगर भी थोड़ा बहुत राइज होगा। कई लोगों को स्नैक्स चूज़ करने में और उसे प्रिपेयर करने में भी ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगता है। सो फॉर सम पीपल इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। टू डिके हो सकता है, आप स्नैक करके अगर ठीक से अपने दांतों की केयर नहीं करेंगे, इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन इन सम केसेस। और हाँ, अगर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो वेट गेन भी हो सकता है इससे। सो हम क्यों स्नैक करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है स्नैकिंग के अंदर। अलग अलग रीजंस होते हैं। फिजिकल हंगर, अगर हमारा एक्टिविटी लेवल बहुत हाई है तो हमें फिजिकल हंगर फील होती है, यानी हम हंग्री फील करते हैं। न्यूट्रिशनल हंगर, अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है या फिर हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो हमें इस तरह की हंगर होगी। कभी कभी किसी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से हमें कुछ क्रेविंग्स हो सकती हैं, जैसे मैग्नीशियम की कमी की वजह से हमें सॉल्टी खाने का मन कर सकता है। इमोशनल हंगर, कई लोगों को बोर होने के टाइम पर या फिर स्ट्रेस के टाइम पर कुछ खाने का मन करता है। कई लोग बहुत फिक्स रूटीन के साथ खाते हैं, जब भी उनका वो टाइम आता है जब स्नैकिंग का टाइम होता है उन्हें ऑटोमेटिकली भूख लगने लगती है। कई बार हम सोशल एनवायरनमेंट की वजह से खाते हैं, जैसे कि ऑफिस में कोई और लोग खा रहे हैं, कोई मीटिंग है, कोई ओकेशन है, या कहीं हम विजिट कर रहे हैं या कोई हमारे यहाँ पर विजिट कर रहा है। साथ ही सबसे बड़ा रीज़न जो बहुत लोगों को इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। हमारे आसपास अगर रेडिली फूड अवेलेबल है और स्पेशली अगर वो फ्री है और हमारे रीच के अंदर है तो बहुत लोग तब भी स्नैकिंग करते हैं। इन शॉर्ट, आपका मोटिव डिसाइड करता है कि आपका स्नैकिंग आपके लिए हेल्दी है या अनहेल्दी, यानी आपके लिए गुड है या बैड। स्नैकिंग और ग्रेजिंग, स्नैकिंग बेसिकली जिस टर्म के लिए यूज़ किया जाता है वो है ईटिंग समथिंग हेल्दी इन कंट्रोल पोर्शन, यानी कंट्रोल पोर्शन में कुछ हेल्दी खाना जब आप हंग्री हो या फिर आपके स्केड्यूल के मुताबिक, उसे कहते हैं स्नैकिंग। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली कुछ खाते रहते हैं, मोस्टली अनहेल्दी, जस्ट बिकॉज ये आपकी साइट के, आपके रीच के अंदर है, या फिर क्योंकि आपको इमोशनल हंगर है, तो उसे कहते हैं ग्रेजिंग, यानी चरते रहना। स्नैकिंग इज हेल्दी फॉर यू, लेकिन ग्रेजिंग इज अनहेल्दी फॉर यू। क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे डाइटिशियंस देखे हैं, कई लोग ऐसे फिटनेस एक्सपर्ट्स देखे हैं जो आजकल सजेस्ट कर रहे हैं दैट यू ईट ओनली ट्वाइस अ डे और वंस अ डे, या फिर सिर्फ तीन मेजर मील्स स्टिक रखें। और स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग तो इतने सारी मील्स एक साथ खाने डाइट में थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। तो क्या उस समय स्नैकिंग को अवॉइड करना आपके लिए अच्छा है या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। दिन में एक या दो मेजर मील्स जो होती हैं वो कई लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी हैवी हो सकती हैं, इससे ओवर ईटिंग और इनडाइजेशन भी हो सकता है। इसीलिए जिन भी लोगों को स्टमक या लिवर का डिसऑर्डर है उन्हें ये दो या एक मेजर मील वाला कॉन्सेप्ट सूट नहीं करता है। यहाँ तक कि इंडिया की जो मोस्ट सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट है रुजुता दिवाकर, वो भी ऐसी मील्स को अवॉइड करने को कहती हैं, वो भी स्नैकिंग को ही सपोर्ट करती हैं।
हाँ, अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो क्योंकि आप इतनी सारी मील्स को अपने उस रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को और टाइम को कम कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्नैकिंग ट्वाइस अ डे, आप वंस अ डे स्नैकिंग कर सकते हैं और अपनी मील को इसी तरह अरेंज कर सकते हैं। कितना स्नैक खाना चाहिए, कितनी मैक्सिमम कैलोरी होनी चाहिए आपकी स्नैक की एक बार की, और कौन सी बेस्ट ऑप्शंस हैं? तो कुछ हेल्दी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ऑफ स्नैकिंग। आपकी जो स्नैकिंग है वो आपके एक्टिविटी लेवल पर बेस्ड होनी चाहिए और साथ ही आपकी मील साइज पर। अगर आपका मेन मील का साइज बहुत ज्यादा है तो आप स्नैकिंग अवॉइड करें। तो इसीलिए स्नैकिंग जो है वो आपकी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से 2 या 3 बार आप रख सकते हैं दिन के अंदर। जो लोगों का एक्टिविटी लेवल बहुत कम है वो एक ही टाइम स्नैक करें या ना भी करें तो चलेगा। इसके अलावा हेल्दी स्नैक्स हमेशा आपके आसपास रखें, स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि अनहेल्दी चीजों को खाने से आप बचे रहें। कितना खाना चाहिए? आयुर्वेद कहता है कि आपके जो स्नैक का साइज है वो आपकी मुट्ठी के जितना होना चाहिए, यानी इतना होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी के अंदर फिट हो जाए। वहीं अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो आपका हेल्दी स्नैक वो होता है जो 100 कैलोरीज के अंदर फिट हो जाए। हाँ, 100 कैलोरीज हेल्दी फूड से आना चाहिए, ना कि अनहेल्दी फूड से। इसके अंदर 3 से 4 ग्राम अगर प्रोटीन भी आपको मिल जाए तो आपको लंबे टाइम तक वो फुल रखेगा, साथ ही आपके लिए हेल्दी भी होगा, स्पेशली फॉर वेट लॉस। तो आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, ऐसे में बहुत सारे और भी हाई प्रोटीन हेल्दी ऑप्शंस हैं। अंडर 100 कैलोरी अगर स्नैक्स ऑप्शन की बात करें तो एक छोटा बनाना, एप्पल, हैंडफुल ऑफ स्प्राउट्स, रोस्टेड चना, पीनट, मखाना, रॉ वेजीज विद हमस की डिप, पफ्ड ग्रेन्स, बॉइल्ड एग, 30 से 40 ग्राम ग्रिल्ड पनीर, बॉइल्ड ब्लैक ग्राम, दही, नट्स एंड सीड्स, ये सब आप इजिली खा सकते हैं। जिन लोगों का एक्टिविटी लेवल बहुत हाई है उनका कैलोरी इनटेक इस टाइम पर 150 से 200 कैलोरीज तक भी जा सकता है। कौन से स्नैक आपको अवॉइड करने चाहिए? जो भी स्नैक्स हाईली प्रोसेस्ड हो, शुगर में बहुत हाई हो, जो इमिडिएटली आपकी शुगर को रेज करें और साथ ही बहुत जल्दी ड्रॉप भी कर दे, यानी क्रैश हो जाए आपकी शुगर लेवल्स जो हैं, और साथ ही आपको जल्दी भूख भी लग जाए, उसे अवॉइड करना चाहिए। ऐसे स्नैक्स होते हैं जो पैकेज नमकीन आती हैं, कुकीज, बिस्किट, यहाँ तक कि इवन डाइजेस्टिव ओट्स एंड हाई फाइबर की बिस्किट भी। एक मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था जहाँ उन स्नैक्स के बारे में मैंने बात की थी कि स्नैक्स जो हेल्दी करके मार्केट किए जाते हैं लेकिन असल में वो बहुत अनहेल्दी होते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही जितने भी मिक्सचर्स आते हैं, बेक्ड चिप्स आते हैं, ये सब। लास्ट टिप ये है कि बहुत लोगों को जो हंगर फील होती है, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू हैव समथिंग, वो होता है शाम को 4 से 6 बजे के बीच में। इसे इग्नोर ना करें, यहाँ पर हेल्दी ऑप्शंस रखें खाने के लिए, ताकि आप डिनर में बाइंज ईटिंग या फिर हैवी मील खाने से बच सकें। तो आई होप स्नैकिंग को लेके ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज फूड फिटनेस एंड फन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें उसका अपडेट आपके पास फटाफट पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।